आज दिनांक 26/2/2022 को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जलाड़ी के बच्चे जॉब ऑन ट्रेनिंग JOT के लिए होमगार्ड सेंटर अमतर नदौन के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे बच्चे अमतर ग्राउंड नदौन पहुँचे और वहाँ पर मुख्य गेट के ऊपर ये फोटो सेशन हुआ। जाते ही और बच्चों के हाथों को होमगार्ड के जवानों द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तत्पश्चात बच्चों की एंट्री हुई, स्टाफ की भी एंट्री हुई। वहाँ पर हमने अपना आई कार्ड भी दिखाए और उसके बाद बच्चों को मुख्य हाल में, जहाँ पे एजुकेशनल सेशन शुरू होना है, बच्चों का वहाँ भी देखा। सबसे पहले बच्चों को होमगार्ड के जवानों द्वारा और दो स्कूलों के बच्चे कुंपल और बदारन, वो भी वहाँ पे ही बैठे हुए थे और स्टाफ कर। तो इस ब्रेकफास्ट के उपरांत हमारी CEO से पहले मीटिंग हुई और प्लान बनाया गया किस प्रकार से वो आज के दिन वो सारा खाका जो हमने समझा। तत्पश्चात महोदय जी ने आपदा बोला जाता है, क्योंकि ऐसी आपदाएं जितने आपके मतलब
साउथ पोल नॉर्थ पोल के अंदर ये चलती रहती है, अपना वहां पे चले रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे नुकसान इंसान का कितना हो रहा है। ये कल परसों हमारे यहाँ बारिश हुई थी, इस बोलते हैं इसको हम लोग, कल के परसों क्या गिरा था, ओले गिरे थे, अब रखी वो ओले बहुत बड़े साइज में हो जाते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं, डरे रहे ना विकास के। बर्फ है इस साल, इतनी बर्फबारी हुई है कि आपका जो अपर हिमाचल है, जिस प्रकार से शिमला है, चंबा है, मनाली है, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, डर लगे नेशनल डिजास्टर हमारे लिए। लाइटनिंग एक और डिजास्टर है, बादल का फटना, आसमानी बिजली गिरना, ये क्या है अवलांच, बर्फ का भारी बर्फ का नीचे गिरना, ये हमारे ऊपर होता है मनाली वगैरह के अंदर, हमारे ट्रैक्टर्स जाते हैं जो फंस जाते हैं, पीछे भी केस हुए जिसके अंदर हमारे ट्रैक्टर्स फंस गए थे, जो उत्तराखंड साइड से जा रहे थे और किन्नौर के अंदर पहुंचना था लेकिन उन्होंने पहुंच नहीं पाए। ये बर्फ जब अवलांच आता है तो उसका गाँव के अंदर घुसना है, स्पीड होती है, इसके आगे जो भी चीज है उसको तोड़ता निकल जाता है, चले जाना है, और उसके बाद जाको मतलब अपने शरीर को खासकर सिर को इसके कवर करना ढकना इसके नीचे, और तीसरे स्टेप पे पकड़ना है बेटा, ऐसे बैठे रहना, आप हिलना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। और आप सब आर्मी अंदर जाना चाह रहे हैं, मैं आपको इसके छोटा सा घूमा कि इसका अलग से जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ अलग से बताता हूँ। आर्मी के अंदर अगर भी आपको इच्छा है जानने की, वो मैं उसके अंदर और जानूँ तो आप शायद मुझे नहीं बता पाओगे आपकी इच्छा क्यों आर्मी में जाने की, कोई भी बच्चा बता दें कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ आर्मी में, आपने जाना आर्मी में, आसानी से ले जा सकते हैं, जिसके लिए आपको बताएंगे ये रफीक मोहम्मद, जाप करता ही ये रफीक मोहम्मद इसके बारे में बताएंगे, ये भी कोई काम करेंगे जो पहले किया, पहले सबसे पहले उसका निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि इनका और उसका वेट कम है, सबसे पहले उसका निरीक्षण किया, उन्होंने देखा कि ठीक है लेकिन अनकॉन्शियस है, ये भी बेहोश है, और उसके बाद जो है उसको पहले सर की तरफ से उसको उठाएंगे, और सर की तरफ से उठाया और उसके बाद उसका दाहिना हाथ जो है उसकी उसके जो शोल्डर है शोल्डर के नीचे रखेंगे, और दूसरा हाथ उसके दोनों टांगों के नीचे से ग्रिप करेंगे उसको, और अप करके जो उसको ऊपर उठाएंगे, और ये बच्चे की तरह इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक। सबसे पहले निरीक्षण करेंगे, जैसे बताया आपको पहले पूछो इनको, अभी ध्यान दे रही हो, क्या नाम बताया बेटा आपने, अमन एक मिनट रुकिए बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रतिक्रिया है, ये जो कार्रवाई हम कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये कार्रवाई आपकी अंधेरे में भी हो सकती है,
ऐसी जगह हो सकती है जहां हम लोग देख पा रहे हैं। ये जो बेसिक्स है इसको हम बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। निरीक्षण करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और निरीक्षण का ध्यान देने वाली बात दो चीज ये है कि हमें एक्चुअली समझना है कि क्या उस कैजुअलिटी को कहीं चोट तो नहीं है। सपोज हमने उसको उठा लिया, फायरमैन को लिफ्ट कर लिया, अगर अभी उसकी रिप्स के अंदर चोट है, उसके बाजू बाजू उसका टूटा हुआ है, क्या आप उसको फायरमैन लिफ्ट कर सकते हो? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि उसकी जो इंजरी है वो और बढ़ जाएगी। उसका फ्रैक्चर हो रखा है, सिर्फ उसका जो जो आपकी हड्डी टूटी है वो सिर्फ आपके लीवर के साथ पड़ी है, ऐसे आपने उसको उठाया और वो हड्डी उसके लीवर में घुस जाएगी या उसके लंग्स में घुस जाएगी। आपने तो उसके लिए और एक आपका खड़ी कर दी, आपने उसका लीवर पंचर कर दिया, आपने उसके लंग्स पंचर कर दिए। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसको प्रॉब्लम क्या है और हमने उसको किस विधि से उठाना है। क्या वो फायरमैन लिफ्ट होगा, क्या वो क्रच मेथड होगा, या क्या मेथड होगा, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। सपोज एक आदमी अनकॉन्शियस है, वो बोल नहीं सकता है, आप पता कैसे करोगे उसकी टांग में चोट है, उसको चोट लगी है या उसी की इंजरी है? लेकिन उसके बनी लगता पता, ठंड का मौसम होगा, उसने पूरी कोट जैकेट कोटी पहन रखी है, अंदर क्या उसको खून निकल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। सो वो चीज आपने जब उससे आके पूछनी है, उससे बात करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या वो सांस ले रहा है। अगर कि वो सांस नहीं ले रहा है तो हमें क्या क्या कार्रवाई करनी है टाइम के ऊपर, है किसी को आइडिया? वेरी गुड, किसने बोला सी पी आर का? हाथ ऊपर करो, क्लैप फॉर इट। भाई आप लोग सी पी आर जानते हैं। सो ये सारी बातें कब चलनी है, जब इज ही कैपेबल, क्या सांस चल रहा है। तो इसलिए जो आपका पहला निरीक्षण करना है बहुत जरूरी है। अब मुझे आप निरीक्षण करके बताइए आप कैसे करेंगे, करिए। पीछे नजर आ रहा हूं उठ के देख सकते हैं, तो बहुत बहुत बारीकी बता रहा हूं आपको। सामने देखो, करके देखो, आप समझे जब आप करोगे। काम में इसको क्या है, चोट है, ये फ्रैक्चर है इसकी काम, इसको इसने सीधा रख दिया, इससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। पता है कि इसकी टांग में फ्रैक्चर है, हमने इसमें स्प्लिंट बांधा हुआ है और उस टांग को हमने सीधा रखना है बिल्कुल, उसको हम मतलब ये नहीं कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं बार बार। तो जिस तरह को उसकी बेटा और एक बेटी आ गया, तो बताओ निरीक्षण कैसे करेंगे, लड़की का बात चेक किया, क्लियर है भाई?
दूसरा बाजू चेक करें, बोलते चलो आपको क्या करेगा बताते चलो आपको करते जाएंगे। दूसरा बाजू चेक, इसके बाद चेस्ट के ऊपर चेक कीजिए। चेस्ट का मतलब है कि आपका शोल्डर की तरफ से आपने आना है, यहाँ से चेक करते हुए कोई पेन तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या चेक करना है, एब्डोमेन कैविटी, ये पेट जो है इसके ऊपर दबा के कहीं यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद क्या चेक करेंगे, लेग्स, जो लेग आपके नजदीक है पहले वो, उसके बाद जो है दूसरी लेग। क्लियर है यहाँ तक जो है? यस सर। कर लो बेटा, फटाफट करके बताओ। अब अपनी अभी आप बोलोगे और ये करेंगे, बताओ क्या करना सबसे पहले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Yes, sir. इसको आपको एक और एडवांस लेकर दे रखा हूँ।
सबसे पहले बच्चों के मन में, लोगों के मन में सवाल आता है कि हमें सीपीआर देनी है कि नहीं देनी है। जब कोई आदमी सांस ले रहा है हमें सीपीआर देना है कि नहीं देना है? हाँ या ना? हमें सीपीआर तब तक देना है जब तक कोई डॉक्टर या कोई पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास नहीं आ जाता। तो आपके मन में ये डाउट होना ही नहीं चाहिए, जब तक आपकी क्षमता है और जब तक आपके हाथों में जान है आप उसको सीपीआर देते रहे। सीपीआर देने का मेन एम ये है कि अगर अभी आपकी आपका ब्रेन को 4 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि हम उस ब्रेन को रिवाइव कर सकते हैं। और अगर यदि वो 4 से 6 मिनट यानी कि 6 मिनट या 7 मिनट तक उस आदमी को ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हम उसका ब्रेन आधा रिवाइव कर सकते हैं और उसको उसके ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी और उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। और अगर यदि उसके ब्रेन को 10 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो मेडिकल हेल्प के बिना उसको ब्रेन को रिवाइव नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है इसको सीपीआर हम लोग देते रहे। मैं ऊपर इनको लिटाने का मकसद ये था कि आप लोग देख लीजिए कि इनको चेक कैसे करना है और क्या क्या चीजें चेक करनी है। अब यही सीपीआर कैसे देना है वो डेमो में आपको नीचे बताऊंगा। क्लियर अभी? सीपीआर देना है कि नहीं देना है? अगर यदि कोई पेशेंट आपके सामने गिरा है आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सीधा जाना है, चेक करना है, सांस ले रहा है, इमीडिएटली स्टार्ट द सीपीआर, क्योंकि आपके पास 4 मिनट का टाइम है। अगर जो 4 मिनट के टाइम में आपने सीपीआर नहीं दिया तो वो इस कैटेगरी के ऊपर आ जाएंगे, आप उनके ब्रेन को रिवाइव करने के अंदर दिक्कत होगी। और यदि 10 मिनट हो गए हैं तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी। अब कोई पेशेंट आपसे पहले गिरा है, आपको नहीं पता कितना टाइम उसको गिरे हुए, क्योंकि जब पेशेंट आपके सामने गिरता है तब आपके पास एटलीस्ट 1 या 2 मिनट का टाइम है कि आप ये कार्रवाई करने के लिए रुक सकते हैं। और यदि आपसे पहले गिरा हुआ है, आई डोंट नो कि वो उस टाइम 3 मिनट में गिर हुए, 4 मिनट हुए हैं या 5 मिनट है या 7 मिनट है या 8 मिनट है, क्या मालूम जब आप गए उस टाइम उसको गिरे हुए 2 मिनट हुए हैं और आप सीपीआर देंगे तो ठीक हो जाएगा ना? और अगर सपोज उसको 5 मिनट और आप सीपीआर दोगे तो ठीक हो जाएगा वो? फिर पॉसिबल हाँ हो जाएगा आधा पूरा भी कम। और यदि 10 मिनट हो गए हैं तो वो नहीं हो पाएगा, तो तुझे जज कौन करेगा टाइम कितना हुआ है? क्या हमारे पास वो है पैरामीटर जज करने, क्या जज करने का पैरामीटर है हमारे पास? एकदम सीधा जाके क्या करेंगे उसको सीपीआर देंगे ताकि उसकी किस्मत है, शायद वो 1 से लेके 10 मिनट के बीच में किसी मिनट के अंदर हमें नहीं मालूम है। यहाँ तक क्लियर है भाई? अब मैं आपको सिर्फ एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसके अंदर 3D वर्जन है सीपीआर का। पंपिंग है स्टार्ट, ब्लड फ्लो स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, आपके हार्ट के अंदर ब्लड होता है, और जैसे वो पंप स्टार्ट प्रॉपर आप सीपीआर करोगे ब्लड विल कम ओवर हियर। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं दिस इज कॉल्ड सीपीआर, हार्ट को रिवाइव करना, हार्ट के अंदर जो ब्लड पड़ा उसको पंप करके आपके ब्रेन तक पहुंचाना। बच्चे लोग चाहेंगे मैं इनका लिंक आप लोगों को शेयर कर सकता हूं, आपके टीचर्स के मोबाइल नंबर पर मैं शेयर कर दूंगा। चाहिए वीडियो मेरे पास पड़ा है ले सकता है, कोई भी पेन ड्राइव वाली कैरी कर ले आपके टीचर साहब नहीं है बाद में आप ले सकते हैं। एजुकेशनल सेशन के बाद आप बच्चों को इंस्ट्रूमेंट जो आपदा के समय औजार जो यूज करने होते हैं उनके बारे में समझाया जा रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। घटना होती है जो सिविल साधना काम करते हैं लेकिन उससे काम नहीं चलता आपका, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ता है? कोई घटना हो गई बच्चों को आपके पास जो साधन थे इन औजारों को कैसे यूज करना है वो सब कुछ बताया गया। ये बताया जा रहा है, खुद सीओ साहब ने भी इनके बारे में बताया, होमगार्ड के जवान भी बता रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। और हमारे साथ जो है ये हवलदार अपने रमेश जी हैं जो इस टीम को हम हैंडल कर रहे हैं। तो बच्चों आपने ये चीजें आप पहले देखा कभी? ये चीजें जो सामने दिख रहा है नहीं देखा है, तो आपको इसके बारे में अवगत करवाएंगे। जब कोई घटना घटती है
कोई घटना घट जाती है, जैसे आपके गांव में या स्कूल में घटना घट जाती है, वहाँ टीम वहाँ पहुँच जाती है, कुछ एक प्रॉब्लम आ जाती है, टीम में कोई सबसे घायल हो जाए, प्रॉब्लम करे, तो आप बच्चों में से जो स्टूडेंट है, टीचर है, उनके जरिए से हम क्या करेंगे, कोई चीज़ मंगवाएंगे तो आप उसको ले सकते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ किया कि हमने हैम्बर चाहिए, तो आपने देखा होगा हैम्बर है या पूरी है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें हमारे क्या मदद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? क्यों, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद क्या है, किस मकसद से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, किस मकसद से ले रहे हैं ट्रेनिंग, ताकि कोई घटना घटती है, कोई आपदा घटती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस समय क्या करना है, उस आपदा के प्रूफ को कम करना है। उस आपदा के प्रूफ को कम तब कर सकते हैं जब हमें इन इक्विपमेंट के बारे में जानकारी होगी, या तो आप हमारा शो कर सकते हैं। समझ गए, तुम्हारा क्या मकसद है, यहाँ क्या मकसद है? हाँ बोलो। हाँ जी, आपका यह ट्रेन देने हम इसको यूज करेंगे, तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये है एक कैराबिनर। क्या चीज है ये होता है, स्क्रू टाइप होता है, स्क्रू टाइप इसलिए क्योंकि ये बीच में से घूमता है, क्योंकि ये हमारा कैप होता है ना, जिसको हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, जब भी हमने कहीं रेस्क्यू करना, अपने आप को सेव करना है। और ये जो है, जैसे ये इसको वेट उठाने की, जो कम से कम ये 1000 kg तक जो है वेट उठा लेता है, ये इसकी जो भार उठाने की क्षमता है, तो 1000 kg तक ये वेट उठाता है। उसके बाद है हमारा ये असेंडर, इसको हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं जुमार। जैसे हमने कहीं हाई राइज बिल्डिंग में रेस्क्यू करना है या नीचे से ऊपर चढ़ना है कहीं, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे चढ़ते हैं तो इसके साथ ये इस तरीके का बना होता है, जब एक बार जैसे ऊपर को हमने इसको खींचेंगे तो वहीं के वहीं ये रुक जाएगा, नीचे नहीं उतरेगा, कभी भी नीचे नहीं खिसकेगा। ये इसकी ये एक खासियत है। एक इसके बाद है हमारा ये डिसेंडर, जिसको फिगर ऑफ एट बोलते हैं। बता सकते हैं कि इसका फिगर ऑफ एट क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? हाँ, इसकी जो शेप है वो किस तरह की है, आठ आठ जो अक्षर है उसकी तरह इसकी शेप बनी हुई है। इसको हम उतरने के लिए नीचे, जैसे हमने बिल्डिंग से नीचे उतरना है या कहीं हमने डीप में जाकर रेस्क्यू करना है, जिसके लिए हम इसको अपने आप को सेव करेंगे, उसको अपने आप को बांधेंगे, उसके जरिए हम इसके नीचे उतर सकते हैं। इसके लिए हम जो ये है, इसके लिए हम 3000 kg वेट तक जो है हम इसके साथ उतर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी देने के उपरांत ये इमरजेंसी टेंट कैसे बनाए जाते हैं वो बच्चों को दिखाया गया, और आपदा के समय किस प्रकार से बच्चों ने अपने आप को बचाना है, अपने साथियों को बचाना है, ये ग्राउंड में जा कर के ये होमगार्ड के जवानों द्वारा दिखाया जा रहा है कि भूकंप के समय हमें किस प्रकार से पोजीशन लेनी है। अब बारी आई फायर ब्रिगेड की, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी स्पेशली हमारे महोदय जी ने बुलाई थी और वो भी यहाँ पे आए थे। अब हमारे फायर फाइटर जो है वो किस प्रकार से आग को बुझाते हैं वो दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, और कितनी दूर तक जो है वो पानी उछाल जा सकती है ये भी दिखाया जा रहा है। लेबोरेटरीज के अंदर सोडियम को कैरोसिन के बीच में डाल के रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन कंटेंट में आके आग नहीं पकड़े।
और लास्ट कौन सी बची? रसोई की आग। कौन सी आग? रसोई की गैसेस की होती है। अभी आप गैसेस किचन की आग, ठीक है गैसेस। अभी जो साहब आपको बताएंगे एक बार उसको मोटा मोटा समझ लेना। हम कहीं भी जो आपने पढ़ा उसको कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी अपनी किताब में जो एकदम सही है, लेकिन पर रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कई चीजें कम की जाती हैं, उनको समझिए साहब से। बताइए विक्रम साहब, सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर स्वागत है फार के इसमें और बीटीसी के अंदर होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर में आपका। उसके बारे में बताऊंगा आग के कितने तत्व। आग जो है तीन चीजों के से पैदा होती है। कोई भी आग जो है उसके लिए तीन तत्वों का होना बहुत जरूरी है। एक सबसे पहले की चीज है बर्नेबल मटीरियल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है जी। बर्नेबल मटीरियल मीनिंग ज्वलनशील पदार्थ। नंबर दो पे आता है हमारा ऑक्सीजन, जो हमारा वातावरण है उसके अंदर ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्नेबल मटेरियल भी है, लेकिन तीसरी जो अहम चीज है वो क्या है? एक तापमान, तापमान जिसको हम बोलेंगे, जो हमारी भाषा है उसको हम क्या बोलते हैं? इग्निशियन टेम्परेचर, जिसको ज्वलनांक बोलते हैं। एक कागज का अलग से ज्वलनांक है और एक जो मोटा लकड़ी का डंडा, ये इसको अगर हम मार्ची की तीली लगाएंगे तो ये नहीं जलेगा, जलेगा नहीं जलेगा। लेकिन हम कागज को अगर आग लगाएंगे तो मार्चिस की तीली से गर्म करेंगे तो वो एकदम से आग पकड़ लेगा, क्योंकि कागज का जो कागज जो है उसका ज्वलनांक जो निम्न है, तो तीली से जल्दी से वो गर्म हो जाएगा तीली से और वो जल उठेगा। लेकिन इसका ज्वलनांक जो है वो बहुत ऊंचे स्तर का है, तो उतनी हमारे पास हीट पैदा नहीं होगी जितनी कि इसको जलने के लिए चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो तीन चीजें क्या हुई हमारे पास? पहली आई हमारे पास बर्नेबल मटेरियल, दूसरा आया हमारे पास ऑक्सीजन, तीसरा आया जी सर। पहली चीज क्या है भाई, यहाँ से बोला था ईंधन, ठीक है भाई। दूसरी चीज, तीसरी उष्मा। उष्मा क्या है? व्हाट इज दिस उष्मा? हाँ जी, कभी आपने देखा कि बरसात में जल्दी आग पकड़ती है? कभी आपने देखा है कि जैसे आपने बताया कि मोटी लकड़ी जल्दी पकड़ती है कि पतली पकड़ती है? सबके घर में चूल्हे जलते हैं, सबसे पहले क्या लाते हैं? मोटा लकड़ी या छोटा लकड़? छोटा लकड़। क्यों? क्योंकि साहब ने एक टर्म यूज की, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलनांक जिसको बोले। हर एक चीज का इग्निशन टेम्परेचर होता है कि किस टेम्परेचर के ऊपर जाके वो चीज आग पकड़ती है। ज्वलनशील और जो कम ज्वलनशील है वो इसी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो तीन चीजें बहुत क्लियर है, वेरी गुड। आगे चलिए भाई, ठीक है जी। कोई भी आग जो है शुरू में जो है बड़ी नहीं होती है, जब आग पैदा होती है तो वो एक छोटा रूप होता है उसका। तो क्या होता है कि जब भी हमारे दफ्तरों में हम जाते हैं तो दफ्तरों में क्या होते हैं, ये जो छोटे अग्निशमन शामक यंत्र हैं वो रखे होते हैं। अगर हमें इनको हमें इनके चलाने के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आग को फैलने से जब छोटी अवस्था में, तो उसमें जो हम छोटे यंत्र, ये हमारा टूर जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। अतः हम प्रधानाचार्य मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे बच्चों को अनुभूति प्रदान करने